फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चित लाए। पूर्ण करो ग्रंथ एह तुम हो सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। श्री भगवती जी सहाय। अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखते पातशाही दसवीं दोहरा। सांग सरोही सैफ अस तीर तुपक तरवार। सत्रांतक कवचांत कर करिए रच हमार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी। गुरमत दे इस महान कुंभ दे विच जिथे सारिया संप्रदावां दे गुरसिख प्यारे अपने गुरदेव दी खुशियां लैण लई इकट्ठे होए। गुरमत कैंप दे रूप विच आपां पिछले तीन चार दिनां तों गुरबाणी दा आनंद माण रहे हां, गुर इतिहास दा आनंद माण रहे हां। महापुरशां तों कल भी बड़े बचन सत्कारयोग बाबा जी ज्ञानी गुरदेव सिंह जी जूके वालियां तों सरवण कीते। अमृतमई बाणी दी कथा सत्कारयोग श्रीमान संत स्वामी राम सिंह जी निर्मल संप्रदाय वाले महापुरशां तों कल आपां सरवण कीती। होर भी उन्हां तों बहुत ज़्यादा लाभ लिया। इसे तरह नौजवान प्रचारक ज्ञानी हरमन सिंह जी, ज्ञानी नवप्रीत सिंह जी, ज्ञानी गुरकीर्त सिंह जी, होर भी बहुत सुलझिया हुई मेरिया छोटिया भैन बच्चे सारे ही आप रल मिल के एक दूजे तो आप सीख रहे हैं। गुरु की सिक्ख्या साडे गुरु साडे टीचर साढ़े ज्ञानदाते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। सतगुरों की सो बख्शी हुई रहनुमाई विच आपां गुरमत की सिक्ख्या प्राप्त की है। अज हुक्म होया सी प्रबंधकों वालों संगतों वालों के कुछ विचार शस्त्र नाम माला बाणी ते भी की जाए। सतगुरों की दसम पातशाह की बाणी विच शस्त्रां दे बहुत ज़्यादा नाम आए हैं। शस्त्र अकाल पुरख का रूप मन्ने गए हैं क्योंकि शस्त्र शक्ति है। शक्ति पावर एनर्जी जरूरी है। बिना शक्ति दे कोई कार्य सिद्ध नहीं होंदा संसार दे विच। महाराज का बचन आप रोज़ पढ़ते हैं, शिव शक्त आप उपाय क्या करता आपे हुक्म वरता है। अकाल पुरख परमेश्वर जदों सृष्टि की रचना करता है तो शिव शक्ति का मेल शिव नाम चेतन का है जो आत्मा साढ़े अंदर प्रकाश कर रही है। शिव स्वरूप है उस आत्मा की जो बाहरी शक्ति सरगुण स्वरूप विच ओ माया प्रकृति ये जगत पंजां तत्तां का पसारा ते उदे विच माया दे तीन गुण रजो गुण तमो गुण सतो गुण इस प्रकार नाल वाहिगुरु सृष्टि की रचना करता है। साहिब कलगीधर पातशाह जी ने चंडी दी वार की दूसरी पौड़ी विच भी कहा है, खंडा प्रथम साजक है जिन सब संसार उपाया। वो खंडा की है? वो खंडा एनर्जी है, वो पावर है, वो शक्ति है। बिना शक्ति दे कोई काम नहीं होंदा। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो वेदांत दे महान वड्डे प्रचारक होए ने, अद्वैत दा उन्होंने प्रचार किया है। एको ही स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु ज्योति स्वरूप कण कण दे विच जरे जरे च प्रकाशमान है, सब उहदा ही पसारा है।
पर आप जी पहला शक्ति का खंडन कराया करते सन। शक्ति का खंडन करने लई जदों कश्मीर की धरती ते पहुँचे, अज भी उन्हां दा स्थान श्रीनगर दे विच पहाड़ी ते दास दर्शन करके आया। कश्मीर विच शक्ति नूं बहुत मनदे सन, पर आदि गुरु शंकराचार्य जी उहदा खंडन करदे सन। तो कहिंदे हन जदों उत्थे गए ते शरीर अस्वस्थ हो गया। शरीर अस्वस्थ हो गया तां पए हन, शरीर च बल नहीं। 4 साल की एक लड़की आई, कहन लगी बाबा कैसे पए हो, कितों आए हो, क्यों आए हो। कहन लगा शक्ति का खंडन करन आया। कहिंदे उठ के फिर शक्ति का खंडन करो। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहिंदे मेरे शरीर की शक्ति नहीं है उठण दी। और कहिंदे जिहड़ी शक्ति तो बिना उठ नहीं सकते, उस शक्ति का खंडन कर रहे हो। उदो ही मन गए भी शक्ति है, शक्ति तो बिना कोई कार्य नहीं। सतगुरां ने इस करके प्रथम भगौती सिमर कह, पहले भगौती नूं आदि शक्ति नूं अकाल पुरख की सपावर नूं सिमरिया है। प्रथम भगौती सिमर कह, बिना शक्ति दे कोई काम नहीं है। मैं बोल रहा शक्ति नाल बोल रहा, तुसीं सुन रहे हो शक्ति नाल सुन रहे हो। आपां इन्नी दूर चल के आए हाँ, कैंपां विच शक्ति नाल आए हाँ। कारां गड्डियां च पेट्रोल पैंदा, चलदियां ने, शक्ति है। आ बिजली जिहड़ी है एक वड्डी एनर्जी शक्ति है, पावर है। सतसंग जी शक्ति दे बाहरले रूप कुछ भी हो सकते ने, पर अंदरों शक्ति इक्को ही है। जिवें बिजली तां इक्को ही है, बल्ब, ट्यूबा, कैमरे, मशीना, पखे, कूलर, फ्रिज, किन्नियां चीज़ां चल रही ने। बिजली इक्को ही है, करंट इक्को ही है, बाहरले रूप वक्रे वक्रे हैं। इस तरह प्रथम भगौती इक्को ही है, परमेश्वर की शक्ति सारिआं विच व्यापक है। बिना परमेश्वर की उस शक्ति दे कोई काम नहीं हो सकता। सतगुरु जी ने शक्ति सानू किरपान के रूप में, शस्त्रां के रूप में दित्ती, क्योंकि उहदे तों बिना जालमां दा, दुष्टां दा, पापियां दा नाश नहीं सी हो सकदा। उही शक्ति विद्या रूप सरस्वती होकर वरतदी है, माया रूप लक्ष्मी होकर वरतदी है, और जंग के मैदान च भगौती बन के लिशकदी है। शक्ति इक्को ही है। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण जिनी वर्तारा माया का है, उस शक्ति माया तो परमेश्वर की शक्ति तो ही है। सो साहब कलगीधर पातशाह जी ने शस्त्रां की शक्ति की महानता सानू दर्शाई, तो शस्त्र नाम माला ये बाणी रची है। पुरातन सिंह इहदा नितनेम करिया करदे सी। एक बाबा करम सिंह जी सन, निहंग सिंह, वो संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी भिंडरां वाले महापुरशां नाल रहे सन। बहुते पढ़े नहीं सन, पर जप तप बहुत कीता सी। ते ओ सानू उन्होंने जो कथा महापुरशां तों सुनी सी, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले तों, ओ दस्सिया करदे। वह कहते भी पुरातन सिंह महापुरश दसते पुरातन सिंह शस्त्र नाम माला का इन्ना जाप करते, इन्ना जाप करते इन्हों शस्त्र जो ये महाराज की बाणी 90 अंग तो है, छोटी बाणी नहीं, 90 अंग ने दसम के 90-92 अंगा से बाणी लिखी हुई। इन्नी बाणी रोज़ पढ़ते पुराने सिंह दस शस्त्र नाम माला। फिर कहिंदे समा पा के उन्हां दे अंदर वो शक्ति आ जांदी सी वी जिहड़ा वी शस्त्र मंगाउणा चाहुंदे सी जंग दे मैदान च उन्हां दे हत्थ च आ जांदा सी, और जिहड़ा वो शस्त्र चलांदे सी वह सही निशाने ते पहुँचदा सी, शस्त्र सिद्ध हुंदा सी। इस गल नूं काजी नूर मुहम्मद एक मुसलमान अहमद शाह बदाली दे नाल आया सी, 6वें हलमले च वड्डे घल्लूकारे। उन्हें लिखिया कहिंदा सिखां दी बंदूक दा निशाना कदी चुकदा नहीं,
यानी सिखा दे हर एक हथियार विच पकड़ है, पर जिहड़ी बंदूक चलांदे ने उहदी कोई रीस नहीं कहिंदे। इह नूर मुहम्मद ने लिखिया। हुण इहदा कारण की है, रीजन की है, निशाना किहदा लगदा? निशाना उहदा लगदा है जिहदी बिरती एकाग्र होवे, जिहदा ध्यान जुड़िया होवे। जिहदा ध्यान इधर उधर है उहदा निशाना नहीं लगदा। खालसा जिहड़ा उस वेले निशाने च सब तो पहले नंबर ते सीगा जंगां दे विच, उहदा इह कारण सी कि उह बाणी शस्त्र नाम माला पढ़ के अपना ध्यान अपने टारगेट ते रखदे सन। जिथे वह वार करते वार उ लगता से जा। सो ये बाणी सिंह पुरातन पढ़िया करते सिद्ध करते सन। ये पहला अध्याय जो है वह रोज़ नितनेम अज भी कई सिंह पढ़ते हैं। बाकी सारी बाणी तो कोई विरला ही पढ़ता, पर जोड़ा पहला अध्याय है ये 27 पौड़ियाँ बहुत सारे सिंह गुटके साहब छपिया होंगे, जो श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल वालों गुटका छपया होया सुंदर गुटका उहदे विच भी है, जो हजूर साहब तो गुटके छपे हैं उहदे विच भी है, तो होर भी संप्रदावां दमदमी टकसाल अते निर्मले महात्मा जिहड़े बाणी दे बहुते अभ्यासी वो इस पाठ नूं रोज़ करिया करदे सन, हुण भी करदे। आओ आपां इहदे विचों कुछ बचन महाराज दी बाणी दे शस्त्रां दे प्रथाए जो महाराज ने उपमा कीती। इह शस्त्र केवल लोहे दे शस्त्रां दी गल नहीं है, ये अकाल पुरख की उस अगमी शक्ति एनर्जी पावर वो जी सरबलोच वरती है। आखो श्री वाहिगुरु। कई लोग समझते हैं भी बस ये तो लोहा ही है जी, कई बहुत निरादर वाले शब्द बोल देंगे, उन्होंने पता नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होंगे। वो शस्त्रां की ताकत को जानते नहीं। महाराज ने शस्त्रां की ताकत को महसूस किया। साहब गुरु गोबिंद सिंह जिथे भी बैठते सन दो तख्त पोश लगते, दो चंदोए लगते सन। कोटकपुरे जदों महाराज गए ने उत्थे कथा आउंदी है वी महाराज दसवें पातशाह जी बैठे दरबार ला के कपूरा चौधरी आया मत्था टेकण वास्ते, ते कपूरे ने चादर बन्नी हुई ते चादर जिहड़ी सी ना वह पिछों दी मिट्टी उड़ांदी आ रही। भाई मल्याकर सिंह कहिंदे चौधरी आ चादर संभाल के तुर, तेरी चादर ने मिट्टी उड़ती शस्त्रां ते पैंदी। उन्हें बड़ी महसूस किया भी मेरी बेइज्जती करती, आ के पत्थर टेकिया महाराज नू की देखिया भी एक तख्त पोश ते सतगुरु बैठे हैं, शीश ते चौर झुल रहा चंदोआ लगा, एक नाल होर तख्त पोश लगा होया उहदे ते भी चंदोआ लगा, उहदे ते भी चौर हो रहा, उहदे शस्त्र पए। चौधरी ने पुछिया महाराज गुरुआं पीरां ते चंदोए लगते ने, गुरु पीरां दे सिर ते चौर होंदे ने, पर कदी मैं लोहे दे शस्त्रां उत्ते चौर होंदे नहीं वेखे। ये शस्त्र जिहड़े हन, हथियार जिहड़े हन, इन्हां दे तुसीं चौर क्यों करवा रहे हो, इन्हां दे चंदोआ क्यों लाया? सतगुरु कहण लगे चौधरी पहलां इह दस वी तुसीं गुरु लोकां दे चंदो चौर क्यों करदे हो, मत्था क्यों टेकते हो? कहिंदा जी साडे गुरु ने। महाराज कहिंदे जिवें असीं तुहाडे गुरु हां ना, ये शस्त्र साडे गुरु ने, इन्हां शस्त्रां तों शक्ति लै के असीं वैरियां दे दंद खट्टे कीते, जालमां नूं नत्थ पाई है। जे शस्त्र साडे कोल ना हुंदे, शक्ति साडे कोल ना हुंदी, असीं अपने वैरियां शत्रुआं नूं किवें फतेह करदे? शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना धरें तिस बिगरें काज, या ते सर्ब खालसा सुनिए आयुध धरबे। आयुध शस्त्रां नूं कहिंदे ने, आयुध धरबे उत्तम गुनिए जब हमरे दर्शन को आवो, बन सुचेत तन शस्त्र सजावो, कमर कसा कर दियो दिखाई, हमारी खुशी होए दिखाई। ये महाराज दसम पातशाह का हुक्म है। सतगुरु कहिंदे शस्त्रां दे चौर इस करके करवांदे आ, इह साडे गुरु पीर नूं इन्हां दा सत्कार है। साध संगत जी अपने तख्तां ते जाके दर्शन करो, श्री अकाल तख्त साहब, केसगढ़ साहब, पटना साहब, हजूर साहब, तुसीं देखोगे शस्त्रां दा प्रकाश उच्ची थां ते कीता जांदा। क्यों कीता जांदा? क्योंकि शस्त्र जिहड़े ने उह गुरुआं दे समें तों ही सत्कार योग। आओ शस्त्र नाम माला महाराज साहिब जी दी बाणी इहदे चों कुछ बचन सुणीए, जो संगत दा हुक्म होया सी। प्यार नाल सारी संगत आखो सतनाम।
श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब। एक ओंकार, एक परमात्मा वाहेगुरु, सारी सृष्टि का मूल एक ओंकार ही है। कई लोग समझते हैं भी जी शस्त्रां वाली फिलासफी है ना, एक गुरु गोबिंद सिंह ने पता नहीं कितों वक्रे पास्यों लियांदी। नहीं खालसा जी, ये भी गुरु नानक साहब की फिलासफी है। इहदा प्रमाण यह है भी इस तो पहला महाराज एक ओंकार निकले, सारिआं दा प्रकाशक एक ही है, एक तो ही सारी सृष्टि है, एक तो ही भगती वाला मार्ग है, एक तो ही शक्ति वाला मार्ग है। वास्तव में भगती शक्ति एक ही ने, दो नहीं। दो तो साड़ियाँ अखा च फर्क पिया हो। महापुरश कल कथा कर रहे थे तो बड़े सोहने ढंग नाल दस्या भी द्वैत अद्वैत की होंगी। अद्वैत होंगी भी एक ही देखना, द्वैत होंगी दो देखने भी चंगा माड़ा वधिया घटिया अपना बगाना सही गलत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये जड़ा दो, ये दो दृष्टि ना दिसदा। जो एक दिखता सब मैं जोत जोत है सोए तिसदा चानण, सब मैं चानण होए, फिर एक ही होंदा। उहदे विच भावें कोई माड़ा फेर रहा होवे ते भावें कोई देग चला रहा होवे, एक ही होंदा। आपां रोज अरदास कहिंदे जिन्हां ने देग चलाई देग वाही, देग चलाणी लंगर चलाया नाम जपिया सेवा कीती, देग जंग दे मैदान च खड़काई। दोवें ही अकाल पुरख दे हुकम विच सानू दो लगते ने, कहने भी दो पैंदे ने, पर है एक ही है। आखो श्री वाह, एक ही है। पहले एक ओंकार, वो परमात्मा सारिआं दा प्रकाशक है। ते हाँ जी, श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। श्री मैंने श्रोमणी सुभाए मान जो शक्ति संपान नूं श्री कहिंदे है, वाहिगुरु जो सारिआं दा अधिष्ठान आसरा है, जिसनों आश्चर्य रूप कहिंदे हैं। जे हुण आपां वाहिगुरु दे अर्थ करन लग जाइए तां समां ज़्यादा लग जाणा। ये बड़ा डूंघा विषय, वाहे नाम आश्चर्य को होई, आश्चर्य ते पर उक्त न कोई। वह नाम आश्चर्य दा है ते गुरु नाम प्रकाश करन वाले दा, जो अग्ञानता दे अंधेरे नूं दूर करके ज्ञान दा दीवा बाल दवे, उहनूं गुरु कहिंदे। वाहिगुरु परमेश्वर जी की फतेह है, उस अकाल पुरख की हर मैदान फतेह। महाराज दसवें पातशाह जदों पौंटे साहब जंग जित के आए ना, दो वधाइयां मिलियां महाराज नूं, एक तां जंग जितण दी ते दूसरी पुत्र होण दी। उधरों साहबजादे का जन्म हो गया, बाबा अजीत सिंह उधरों जंग जित के आए। सिंघां ने आख्या महाराज वधाई होवे, तुहाडी जित होई है, नाले साहबजादे का जन्म होया। महाराज कहिंदे भई जीत मेरी कृपा काल केरी, ये मेरी जित नहीं अकाल पुरख की कृपा की जित होई है। उदों तो यह बचन होया भी वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु की फतेह है। खालसा भी वाहिगुरु का, जिहदी फौज होंदी है ना वो जित जित के आउंदी है, उहदा सिहरा उहदे मालक दे सिर ते बजदा। फतेह प्राप्त करके आउंदी फौज, मान लो अमरीका की फौज है तो अमेरिका की फौज कितने जंग जित के आएगी तो अमेरिका के राष्ट्रपति नूं सिहरा जांदा वी उह जित के। ये फौज अकाल पुरख की है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये फौज अकाल पुरख की है तो जिहड़ा ये मोर्चा फतेह करती है उहदा सिहरा भी वाहिगुरु के सिर ते। भई जीत मेरी कृपा काल केरी, ये फतेह महाराज ने दिती। अजकल कई वो दसम पातशाह की बाणी का विरोध करन के फतेह बड़ी गज के बुलाते, फतेह दसम पाणी बाणी का विरोध करन तो पहला फतेह बुलाते, तो फिर कहते भी दसम की बाणी कोई नहीं। उन्होंने पहले फतेह कितों लैंदी है, फतेह भी दसम की बाणी चो बोल रहे हो, उस का ही खंडन कर रहे हो। जिहदे तुसीं आसरा लैके गल शुरू की है, जिहड़ा कहे ना भी भाई खालसा वाह जी फतेह दसम की गल, उहनूं कहो भाई पहला फतेह छड्ड। फतेह क्यों बोलदा, फतेह लोगों भुलेखा पाने वास्ते भी असीं सिख आ। यह वाहगुरु जी की फतेह है, महाराज ने दसम पातशाह ने दिती सानू, ये अकाल पुरख की। हाँ जी, श्री भगौती जी सहाय। श्री भगौती आदि शक्ति माया जो संसार नूं पैदा करन वाली है, अकाल पुरख की ताकत है। जिवें साध संगत जी दरखत की छां दरखत तों वक्खरी नहीं हुंदी, बलवान ते बल पावर ते पावरफुल एको ही होंदे है। पावर नाल ही पावरफुल होंदा, शक्ति नाल ही शक्ता होंदा। अकाल पुरख की शक्ति अकाल पुरख तो भिन्न नहीं है, अभेद है।
एक ही है, आखो वाहिगुरु। अकाल पुरख की शक्ति श्री भगवती जी है, श्री भगवती जी सहाय, वह सदा ही साडे अंग संग रहन, सहायता करन साडे। माता साहब देवां जी जो हैं वह अकाल पुरख की शक्ति का ही रूप आए हैं, आखो सतनाम से। अकाल पुरख की शक्ति माता जी आए ने, कुआरा डोला गुरु घर के विच रहे ने, साहब कलगीधर पातशाह महाराज साडे पिता ने अकाल पुरख का स्वरूप, तो साहब माता जी साडे माता जी ने, उन्हां दी गोदी च महाराज ने खालसा पाया है। माता साहब देवां जी नूं माता बनाया पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, श्री भगवती जी सहाय, सदा ही सदा खालसे दे अंग संग रहे, सहायता करे। अज ने शस्त्र बस्त्र सजाए ने, ये अकाल पुरख की शक्ति नाल ही सजाए हुए ने। हाँ जी, अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखियते, अथ मैंने हुण महाराज साहब जी श्री सुभायमान शोभा वाला एक ग्रंथ शस्त्र नाम वाला पुराण लिखते हैं। हाँ जी, पातशाही दसवीं पातशाही का यह वचन है, कलगीधर पातशाह उच्चारण कर रहे हैं शस्त्रां दी महिमा, जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब परमेश्वर के नाम दसे न, इत्थे महाराज शस्त्रां दे नामां दी माला परो रहे हैं, जिवें माला उत्ते आपां वाहिगुरु जपते हैं। ये महाराज अपनी बाणी द्वारा अपनी रसना द्वारा वाहिगुरु के नाम शस्त्रां के रूप में है, परमेश्वर के नाम ने, रब ते शस्त्र इक्को ही रूप महाराज ने बयान किए, दो नहीं, एक ही परमेश्वर शस्त्र रूप धारण करी बैठा। इस तरह ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख जिहड़े अभ्यासी हैं वो साधक हैं, वो इस बाणी का साधन करते अभ्यास करते हैं। हाँ जी, दोहरा सांग सरोही सैफ अस, महाराज कहते सांग होंगी है सात संग जी, एक तरह का परचा। हूँ मैं इतने कई शस्त्र है नहीं जो तुम दिखा दीए, सांग एक परचा होंदा है, पर उदी आम बरछे नालों ये फर्क होंदा भी उदा जिहड़ा डंडा होंदा ना वह लकड़ का नहीं होंदा, वह लोहे की छड़ होंदी है। जिवें आपां कई जगह पर तख्तां ते पुरातन शस्त्र दर्शन करते, हजूर साहब हैं शस्त्र, वह सारी उपर वाला नेजा भी जिहड़ा भाला जिहनूं कहिंदे आ अगली नोकदार, वह भी तो जिहड़ा पिछे वह तो लोहे का होना ही है, जिहड़ी उहदी डंडा है ना जिहड़ा जिहनूं फड़िया जांदा वह भी लोहे का होंदा। माता जी माता भागो जी का कहिंदे आ भी उत्थे जिहड़ा माता जी ने सांग वरती सी जंग दे विच, वह लोहे की छड़ वाली सी, भाई सूर्य प्रकाश भाई संतोख सिंह दस्सिया, वह सांग बड़ी भारी होंदी, वो जिथे मारदे वो अपने भार दे नाल ही दुश्मन की छाती धस जाती है, घोड़िया नूं पाड़ के रख दिंदी, संजोहां पाड़ दिंदी। सांग महाराज ने सब तो पहला ही वरती है। सरोही तलवार होंदी है सरोह देश की, राजस्थान च एक सरोह रियासत है राजपुताने विच, उत्थे दी बनी हुई नूं सरोही कहिंदे, इत्थे शायद मैं होया तो दर्शन करावांगे तुहानूं, सरोही होंदी है। ते सैफ सिद्धी होंदी है, ते उहदे पिछे मुठ्ठा वड्डा हुंदा है, पट्टस ते सैफ, ये दो किस्मां हुंदियां उहदियां। हजूर साहब जदों आपां दुआ कदी दर्शन करने हो ना, तुसीं दिवाली तों दो दिन पहलां पहुँच जाओ, हजूर साहब दो दिन पहला पहुँच जाओ, दिवाली तो एक दिन पहला तख्त इशनान होंदा, तख्त इशनान ते सारे शस्त्र बाहर आउंदे, उत्थे फिर तुसीं देख सकते हो भी ये सरोही है, ये तेगा है, ये सैफ है, ये खंजर है, ये बिशुआ है, ये बुगदा है, ये सांग है, वो सारे महाराज कलगीधर पिता के कमर कसे के शस्त्र हैं, जिहड़े साहिब कलगीधर जी आप पहने करते सी, जां उन्हां दे नाल जिहड़ी फौज सी भाई दया सिंह जी वर्गे सिंह पाया करते सी, उन्हां दे पुरातन शस्त्र। सांग सरोही सरोह देश की तलवार नूं कहिंदे आ, सैफ लम्मी सिद्धी हुंदी है पर दो धारी हुंदी है, ते उहदे पिछे मुठ्ठा जिहड़ा है उह साध संगत जी वड्डा उह पाया हुंदा सजाया हुंदा, ते अस नाम कट्टण वाले शस्त्र दा है, अस कहिंदे जिहड़ा कट देवे, अस तलवार नूं वी कहिंदे आ, अस नाम कट्टण वाले शस्त्र दा, असी धातू तों संस्कृत दा इह शब्द है बनिया है। हाँ जी, तीर तुपक तलवार, तीर जिहड़ा चलाया जांदा है, तुपक बंदूक नूं कहिंदे ने, ते तलवार जिहड़ा वार करन वाला, तल थल्लों दी वार करके कट्टण वाली उहनूं कहिंदे तलवार। हाँ जी, सत्रांत कवचांत कर, सत्रांत शत्रु दा अंत करन वाली, शत्र आंतक, आंतक मैंने अंत करन वाली, नाश करन वाली, शत्रांतक जिहड़ी शत्रुआं दा नाश करन वाली, दुश्मनां दा अंत करन वाली है,
जिन्हें शस्त्र जे शस्त्र ना होंदे साध संगत जी तो मसे लंघण का सिर कहदे नाल वढदे। अजकल साढ़े कहते भी शस्त्रां की कोई लोड़ नहीं जी, ये एवें भार चुकी फिरदे, जो लोड़ पैंदी उदों ही पता लगता। आ दिल्ली दे दंगे होए ने खालसा जी, ये क्यों होए ने? क्योंकि दिल्ली आपां जिहड़े सिख सी ना पिछले 100 साल तो अंग्रेजों का प्रचार सुन सुन के शस्त्र रखने छड़ दिते सी, शस्त्र रखने छड़ दिते। हजूर साहब क्यों नहीं दंगे होए? उत्थे कहिंदे उन्हां कहा सीगा डीसी नूं वी तुसीं इत्थे भी दंगे कराओ। उत्थों दे डीसी ने जवाब दिता, कहिंदा जी इत्थों दे सरदार लोग बड़े खतरनाक ने, बड़ा मार कुट करनगे, उल्टा काम हो जाना है। जिथे शस्त्रधारी होएगा सिंह उत्थे नहीं कोई गल होंदी, जिथे ढिला मठा होंदा उत्थे खतरा होंदा। तो महाराज कहिंदे शत्रां दे शत्रुआं दा अंत करन वाली कवचांत कवच जिहड़ी शरीर ते पाई हुंदी आ उहनूं संजोह भी कहिंदे आ, कवच भी कहिंदे आ, ते अंग्रेजी तो मेरा ख्याल पता नहीं की कहिंदे कवचांतक जिहड़ी शरीर ते पाई हुंदी कवच ओहदा भी अंत कर देवे। हत्थे थले पेश कवच पिया होना, वह पेश कवच है वह अगों तिखा बरीक हुंदा, वह मार के संजोह पाड़ दित्ती जांदी। कवचांतक शत्रांत कर वैरियां दा नाश करन वाली, शत्रुआं दा अंत करन वाली करिए रक्ष हमार, साडी रक्षा करो माता जी। अकाल पुरख दी शक्ति नूं महाराज कह रहे हैं कि हे अकाल पुरख दी शक्ति, हे शस्त्र स्वरूप वाहिगुरु, साडी रक्षा करो। ये शस्त्रां रूप चो के साडी रक्षा करो। अकाल पुरख ने किसे बहाने रक्षा करनी हुंदी है, साडी रक्षा शस्त्र कर दे। शस्त्र मारन वास्ते नहीं हुंदे, मारन की लोड़ नहीं पैंदी, गातरे तेग पाई हो ना दुश्मन उंजी परे कर जांदा भी कोई पता नहीं की कर देगा। लड़ाई टालन वास्ते सानू शस्त्र दिते साध संग, लड़ाई टलदी है असी देखिया। उदा खाली होवे ना अगला आके हथी पैंदा, जे शस्त्र कोल होवे अगला भी परे करनी वट जांदा, अपना भी बचाव हो जांदा। लड़ाई तो बचांदे है शस्त्र, खून खराबे तो बचांदे है, नुकसान तो बचांदे है। कई बार होया इदां शस्त्र कोल आ अगला भी सोचता भी आपां राह पईए, आपां की लैणा, आपां भी कहिंदे आ कानू मारना किसे नूं, इह रख्या करदे कई तरीके नाल शस्त्र रख्या। जे गल पै ही जावे ते फिर भी रख्या करदे। हांजी अस कृपान धारा धरी, अस कृपान अस नाम कट्टण वाले दा धारा धरी, धारा जिहदी धार हुंदी है, धार मैने तिखी कह, धरी मैने धारण करन वाली, जिहने तिखी धार धारण कीती होई है ऐसी कृपान सुभाए मान। अकाल पुरख जी तुहाडे हाथ विच है सैफ सूल जमदाड, सैफ ओही पहलां दस्या सूल, सूल साध संगत जी बाणी च आउंदा सूल सुराही खंजर प्याला। सूल तिखा जिहा हुंदा ते जिवें तीर पए ने इदां लोहे दा हुंदा, पर अगले पासे बिल्कुल तिखा जिहा उहदा सूआ हुंदा, उह चौड़ा तीर नहीं हुंदा, उहनूं उह तिखा जिहा हुंदा, उहनूं सूल कहिंदे आ। हजूर साहब दर्शन किए एक दो सिंघां दे कोल पिया सी, उह अजकल बहुत घट मिलदा वह सूल। तो जमदाड़ जमधर भी कहिंदे आ, जमदाड़ कटार आम अजकल, वैसे वह दायानी नूं जमदाड़ कहण लग पे कारीगर, उन्हां नूं पता नहीं, पर जिहड़ा असल जमदाड़ है वह कटार नूं लिखिया महाराज। जो जम दी दाड़ है मौत, जम मौत का फरिश्ता है जिहड़ा सानूं लैण आउंदा, उहदी जाड़ जिहड़ी मौत का काल की जिहड़ी जाड़ है चब जाण वाली, उह कट कातरे च पाई जांदी है कटार। ते अजकल जिवें जिहड़े वड्डे फौज दे पुलिस दे अफसर हुंदे आ ना, उह अपने कोल कटार पिस्टल रखदे आ, पहलां कटार रखदे सीगे कातरे दा शस्त्र। राजे महाराजे भावें पलंग ते सुते भी होण कटार अपने कोल रखते सी, अचानक कोई हमला कर देवे, बड़ा वधिया शस्त्र है, सब तो वधिया नेड़े दे हाथों पाई दी लड़ाई विच वो सब तो ज़्यादा वधिया। आ सामने दर्शन हो रहे हैं कटारा पईयां ने, सो जमदाड़ मारे कहिंदे ये
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਵਚਾਂਤਕ ਸਤਰਾਂਤ ਕਰ, ਕਵਚਾਂਤਕ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਵਚ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਵਚ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਮਦਾਟ ਜਾਂ ਕਟਾਰ, ਸ਼ਤਰਾਂਤ ਕਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਤੀਰ ਧਰ ਬਾੜ, ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਤੇਗਾ ਤੀਰ ਤੇ ਧਾਰ ਬਾੜ, ਬਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾੜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਇਹ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੋ ਸਵਈਏ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ 27 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 27 ਦੋਹਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਆਨ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਖੰਡੇ ਅਤੇ ਖੜਗ ਜੋ ਹਨ, ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ, ਖੰਡੇ ਖੰਡੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਪਕ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਬਰ ਤਬਰ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਤੀਰ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਫ ਸਰੂਹੀ ਸਹਿਥੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਿਥੀ ਸਹਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ 100 ਹੱਥ ਹਨ, ਸਹਿਥੀ 100 ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਛੀ ਹੈ, ਬਰਛੀ ਨੂੰ ਸਹਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਰ ਤੁਹੀ ਸੈਥੀ ਤੁਹੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੀਰ ਤੁਹੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਸੈਥੀ ਤੂੰ, ਬਰਛੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹੀ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਬਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ, ਪੂਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੁਹੀ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹੀ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਤੈਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕਹਿ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਸਰਕਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੁੜੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਯੁਗ ਤਿੰਨੀ ਤਨਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
तुही निशानी जीत की। ए मेरे वाहिगुरु तू ही जित की निशानी है। जेडे योध्या बहादुर सूरमिया के बलिया के मत्थे दे सेहरा बजदा ना जित दा वह वाहिगुरु आप बनता। वह जित भी आप है, जित देन वाला भी आप है, जितन वाला भी आप है, सब कुछ आपे आप है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन दिठो जाओ। सो सारा कुछ अकाल पुरख का स्वरूप इस बाणी च दसिया है। कभी फिर समा बनेगा ना फिर ये सारी बाणी दे अर्थ करांगे सात संगत जी। हुण समा नहीं, संखेप मात्र आपां अज समझ लईए भी आ जिहड़े शस्त्र ने महाराज दसवें पातशाह की निगाह जां अकाल पुरख की ये पावर उहदा ही रूप ने, उस तो वक्खरे नहीं। तो सतगुरु जी ने वो सानू दिते हैं, खंडे का अमृत छकाया, खंडा शस्त्र है। तो उहदा मतलब ये है भी असी इहदा ये भी नहीं, आम लोग समझण लग पए ना साडे बारे, वो ये समझण लग पए भी ये तो मारन वढ़न वाला ही टोला है, ये तो जी सिख जिहड़े ने लड़ते पिटते ही ने। साध संगत जी ये गल तां होई है भी असी अपनी गल सही तरीके नाल लोगों को एक्सप्लेन करके दस नहीं सके। असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दसम की बाणी बारे लोगों को दस नहीं सके भी ये गल नहीं भी असी एवें राह जाते लोगों को मारन वाले हैं। ये थोड़ा भी किसी गरीब नूं पे एवें जाकर वढ़ दिओ टुक दिओ, ये नहीं, बल्कि असी तां राखे हैं सारी इंसानियत दे, सारे धर्मां दे, सारे मनुखां दे, सारे संसार दे। ये खालसे नूं महाराज ने शस्त्र दिते राखी वास्ते दिते, गरीब ते मारन वास्ते नहीं दिते, जुल्म करन वास्ते नहीं दिते। ये शक्ति है, इहनूं चंगे तरह वरत्या जावे। साध संगत जी उही शक्ति माड़े बंदे दे हत्थ आ जाए माड़े तरीके नाल वरतदा, स्याणे बंदे दे हत्थ आ जाए चंगी तरह वरतदा। खालसे नूं महाराज ने चंगी तरह वरतण लई बाणी च सारियां गल्लां दसियां ने। वो बाणी असीं पढ़दे नहीं ते बस एवें कृपाना कढ के लोगों नूं डराउण लग जांदे कई वारी। आ पिछे जी रौला पिया, कई गल्लां ऐसियां जिहड़ियां कहीए ते गुस्सा लगदा। वो स्टेजा जदों आ रौला जिहा पिया ना, तलवारां म्यान चों कढणियां जमीन ते मारी जांदे, सड़कां दे उत्ते ठा ठा तलवारां मारी जांदे। कमले ओ गुरु दे शस्त्र ने, पहली गल तां पुराने सिंघ म्यान चों तलवार कढदे नहीं सीगे, म्यान चों छेती कीते कृपान नहीं सी कढदे। साडे उत्ते पजोखरा साहब गुरद्वारा वाले कोल ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ 4-5 ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 5-6 ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬੜਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੂਸਰੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਬਾਬੇ ਮਾਰਿਆ ਪੈਂਤਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰੋ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੂਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿਆਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਮਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਵਾ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
सहज सेती मन बजिया वधाईया। राग रतन परवार परियां शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नान सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाल हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सब नागना समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सुधर हो हर नाले आचे साहेबा क्या नहीं करते तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा शिव सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो सात नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरु विट्टो जिस दिया ये नानक सुनो संतोष तरो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंचव तित कर सपागे शब्द वाजे करा जित करतारिया पंच दूत दवास कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुजन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुखो आदित कर अनहद वाजे अंग सुनो वट भागी हो सगल मनोरथ पूरे उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी। पौन गुरु पाणी पिता माता तर दिवस रात दोए दाई दाया सागर जग चंगाइयां बुराइयां वच धर्म दूर करमी आपो के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल देव केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा।